الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدخل القائمون ولا يحصين على أولادهم ولا يؤتي حق المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بحجته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا قرآن فیم
मैंने जुमला इसलिए कहा कि बहुत सारे लोगों की तमन्ना है कि सबको एक जैसा होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए। सलमान मेरे वहां पर
तो इबादत और है, ताजीम और है। बहुत सारे लोग ताजीम को भी इबादत समझते हैं, इसलिए तौहीद नाशनास तौहीद परस्तों को शिर्क दिखाई देने लगता है। सलवात भेजे रहो वहां पर सफेद लिखे जो इस प्रकार के पूर्व
नवजात नहीं हो सकती, वो अच्छी मां भी नहीं हो सकती। इसलिए कि जिसकी जिंदगी के अंदर शौहर के लिए कुर्बानी देने का जज्बा ना हो, उसकी जिंदगी में औलाद के लिए भी कुर्बानी का जज्बा नहीं पाया जाता। वो भी कहेगी उसी की औलाद है, लेकिन अगर बाप से यानी शौहर से उसकी मोहब्बतें मुकम्मल इंसानी तकाजों के मुताबिक है तो वो औलाद के लिए अच्छी मां करा पाएगी। लिहाजा इस उसूल को पेश नजर रखते हुए जरा इस मां का तस्करा महसूस कीजिए कि हजरत हाजरा हजरत इब्राहिम छोड़कर जा रहे गोद के बच्चे के साथ, शिरफा रहे हजरत इस्माइल, बेआब हो गया सा जमीन जहां पर ना जिंदगी गुजारने का कोई आसार है, कोई तरीका है, ना कोई वसाइल है, छोड़कर जा रहे। मगर एक जुमला भी हजरत हाजरा ने अपने शौहर के आगे नहीं कहा। कैसे शौहर हो, बच्चे का भी ख्याल नहीं है अगर हो जाता नहीं है तो, और तुम्हारे तो औलाद ही नहीं हो रही, कितने जतनों से तो औलाद ही है। मैं आज की जबान में मुहावरा की जबान में अगर कहूँ तो मन्नत मान मान के तो औलाद ही है। इतनी मुश्किलों से आने वाला बच्चा है, उसके बाद भी उसे आप ऐसे सहरा में छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन हजरत हाजरा ने कोई शिकवा अपने शौहर के सामने नहीं किया। इसलिए जिस ज़ौजा को ये मालूम हो कि मेरा शौहर मासूम है, मेरा शौहर नबी है, वो कभी भी नबी पर उंगली नहीं उठाएगी। इसलिए कि नबी पर एतराज करने वाला दर हकीकत अल्लाह की तौहीद पर एतराज कर रहा होता है। फिर वहां पर मेहनत
कभी पत्थर है, कभी जानवर है, तो मां बाप की जो अकल नहीं आता अजीम करवाइए, वो ताजीम भी इस वजह से करवाइए कि ये कौन है जिसने तुम्हें कलमा पढ़ाया। तुम अगर आज मजलिस में बैठे हो तो कौन तुम्हें गोद में उठा दिलाता था? तुम अगर आज मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हो, अगर तुम आज इंसान हो तो किसने तुम्हें इंसान बनाया? वरना दोष का दोष बड़ा था, वरना बजाय कुछ न जानने वाला कुछ न समझने वाला है मौजूद था, किसने तुम्हें ये जिंदगी अदा की? अजीजा ने ग्रामी, अगर ये उसूल भी ले लिया जाए कि अगर कोई तरक्की और अजमत अदा कर रहा हो, कोई अगर तरबियत और तालीम अदा कर रहा हो, तो क्योंकि वो हमें तरबियत और तालीम दे रहा है तो इस वजह से उसकी तालीम होनी है। तो वालदैन के तालीम में एक यही पहलू है कि उन्होंने हमें उस पहले सबक से वाबस्ता किया। अल्लाह एक, पंच, दस, पांच, इमाम बारह, मासूम चौदह, पढ़ो कलमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं तौहीद के बाद में जो कुछ पढ़ाता चला जाऊंगा वो पहली क्लास की वजह से तो है। मुझे पहली क्लास मुझे माँ बाप ने दी थी, मुझे सिखाया था कि अल्लाह के वजूद का इकरार करो, उसी की वजह से तो आज मैं मुवाहिद हूँ, उसी की वजह से तो आज मैं मुसलमान करार पा रहा हूँ। लिहाजा इन वालदैन ने मुझे अल्लाह तक पहुंचाने का एक रास्ता दिया, इसलिए इनका मुझसे बहुत ज्यादा एहसान। पर ये जो अल्फाज है, ये अल्फाज कुरान मजीद की आयत के अंदर कि रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ये जुमले हजरत अबू तालिब के हैं जो अल्लाह को इतने अच्छे लगे कि जिसे कुरान में नाजिल कर दिया, इसलिए कि हजरत अबू तालिब ने अपने बुजुर्गों से जो जुमले कहे वो नबी मुकर्रम को सिखाए। और जब नबी हजरत अबू तालिब का जनाजा लेकर जा रहे थे तो उनकी जबान पे जुमला था, लकद रब्बैतनी सगीरा व कफ्फैतनी यतीमा, या अल्लाह मैं गवाही देता हूं जब मैं यतीम था तो इसने परवरिश की। वो ये बात है जो कुरान मजीद के अल्फाज है। सवाल ये रहा और जब भी उलमा-ए-किराम तशरीफ फरमाए, साहिबान-ए-अदब तशरीफ फरमाए, वैसे ही
किसी अपने जैसे से क्यों जाता है? तो लफ्ज इश्मा भी इस्तेमाल हो रहा है, लफ्ज इश्मा भी इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह रब का लफ्ज अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल है, और अल्लाह को सबसे ज्यादा लफ्ज भी अपने बारे में यही पसंद है। ज्यादातर नबियों ने दुआएं भी अगर अल्लाह को पुकार के की है तो रब्बना रब्बी रब्बना रब्बी इसी लफ्ज से साथ की है, इसलिए कि अल्लाह को अच्छा लगता है तो मुझे रब कहकर पुकारे। सिफात तो उसकी बहुत है, मगर उसे लफ्ज से रब और सिफत रुबूबियत सबसे ज्यादा अजीज है। वो कहता है अगर किसी ने मुझे या रब दुआ कमल भी आप पढ़ते हैं उसमें जब या रब कहकर पुकारते हैं तो मासूम फरमाते हैं जब बंदा या रब कहकर पुकारता है तो अल्लाह कहता है लब्बैक या रब, जवाब देता है। उसे ये लफ्ज बहुत पसंद है, उसे ये सिफत बहुत पसंद है जिसे रुबूबियत पसंद आता है। फिर उसने क्यों वालिद के लिए रब यानी का लफ्ज इस्तेमाल किया? तो जब भी एक लफ्ज दो लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा तो एक को यानी हजरा हकीकत कहते हैं और एक को मजाज कहते हैं। और मजाज का काम क्या होता है? मजाज का काम हकीकत तक पहुंचाना होता है। अगर अल्लाह ने अपने आप को रब कहा है और वालिद को भी रब कहा है तो हमें ढूंढना होगा इसमें हकीकत कौन है और मजाज कौन है। जब मैंने ये तय कर लिया कि रब अल्लाह है मगर वो हकीकत है और वालिद रब है मगर ये मजाज है तो मजाज का काम तो हकीकत तक पहुंचाना हुआ करता है। अब इसीलिए तो अल्लाह ने कहा कि इनके आगे शाने जुड़ा दो, यही तो है जो तुम्हें उस तक पहुंचाते हैं। मजाजी का एक मिजाज है कि वो अपने बच्चे के ऐबों पर पर्दा डाले, तो रब्बे हकीकी को भी इसी के जरिए
जाने का नाम इतना महसूस कीजिएगा, रब पे मजादी की एक सिफत और भी है, और वो रब पे मजादी की सिफत यह है कि जिसे तरबियत करने का अल्लाह ने हक दिया है, उसे तंबीह करने का भी हक दिया है। लिहाजा मां बाप तो तमाचा मार सकते हैं, खासतौर पर 7 साल से ज्यादा के बच्चे को माँ बाप को इजाजत दी है कि इसे तंबीह करें, इसे तमाचा मारे। और जिन जिन मौजूदात में तमाचा मारने की इजाजत दी है उनमें से एक अल्लाह की इबादत भी है, अगर ये नमाज नहीं पढ़ रहा है तो इसको तो मेहनत है कि तमाशा मारो। नाबालिग बच्चा जो अभी बालिग नहीं हुआ है उसे आदत डाल रहा है, इसलिए वो नहीं पढ़ रहा है, उसे तमाशा मारा जा सकता है, शरीयत का मसला भी है। तो तमाशा कौन मारेगा? जो तरबियत करने का हक रखता है। तो रब मजाजी क्योंकि तरबियत कर रहा है लिहाजा वो तंबीह भी कर सकता है, रब हकीकी को भी समझो, जब वो रिस्क दे रहा है, जब वो नूर दे रहा है, जब वो इल्म दे रहा है, जब वो इंसान बढ़ा कर भेज रहा है, जब वो आप लेकर भेज रहा है, जब इतनी सारी वो नेमतें दे रहा है, तो गुनाह करने में उसको नाराज होने का हक भी तो है, उसकी जानिब से तब्दील भी होने का उसे हक है। रब मजाजी अजीजो वाले की सूरत में और उनमें भी एक रिश्ता है, मां का रिश्ता, ये इतना मुकद्दस रिश्ता है कि जिसमें अगर नबियों की तारीख भी अगर इस बात में देखी जाए, परवरदिगार आलम ने हत्ता हजरत मूसा को उस वक्त होशियार कर दिया जब वो कोहे तूर पर चढ़ रहे थे, मगर मां दुआ देने वाली जिंदा नहीं थी, आवाज आई मूसा जरा संभल के चढ़ना, अब दुआ देने वाली नहीं रही, ऐसा ना हो तुम्हारा पैर फिसल जाए और तुम गिर जाओ। ऐ मूसा, दरवाजा पे मूसा ने सवाल किया, या अल्लाह पता मेरा चलीस कौन है जन्नत में, मेरे साथ जन्नत में कौन रहेगा? कब उसका जाओ वाला मैदान में तुम्हें एक फर्द दिखाई देगा जो जानवर चला रहा है, हमने उसे तुम्हारे साथ जन्नत में पड़ोसी बना दिया है। पहुंचे बड़ी जमीन, एक दास्तान और किस्सा है, पहुंचे उस शख्स को देखा, उसके साथ साथ हो गए घर पहुंचे, क्या देखा कि हजरत मूसा उससे कह रहे हैं उससे बात करूं, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं, और वो कह रहा है कि नहीं पहले मैं अपने फनी से पता करूंगा। कभी क्या फनी है तुम्हारा? कहा मेरी एक जमीन ईर साहिब फराश मां है, जब मैं उसे खाना खिला लूंगा, उसके पैर दबा लूंगा, उसकी खिदमत कर लूंगा, उसके बाद तुमसे बात करूंगा, इसलिए कि उसकी खिदमत मेरे पास फरीजा है, और अपने हाथ से लुफे बना बना कर मां के तरन उतारे, अपनी मां को मोहब्बत और उसने स्लूक का इजहार किया। फिर आकर हजरत मूसा से कहा, क्या पता हो क्या चाहते हो? कब मुझे जवाब मिल गया, मैं यही पूछना चाहता था, मैं यही पूछना चाहता था कि अल्लाह ने तुझे इतना बड़ा दर्जा दिया है, तू करता क्या है? अल्लाह ने तुझे मूसा खलील के साथ, मूसा कलीम के साथ अल्लाह ने तुझे जन्नत में जलीस करार दिया है, मैंने देख लिया कि तू माँ की खिदमत करता है, इसी वजह से अल्लाह ने तुझे मेरा जलीस करार दिया है। माँ की खिदमत करने वाला अपने रिस्क में भी इजाफा करता है, अपनी जन्नत में दर्जात का भी इजाफा करता है। मैं जवानों से बच्चों से मुखातिब होकर एक जुमला बोलूं, गरीब बच्चा माँ बाप की जिंदगी को एक अल्लाह की जानिब से नेमत समझे, माँ बाप की जिंदगी को खासतौर पर बुजुर्ग माँ बाप, आजमाई जरूर है, मुश्किल जरूर है, मैं जितनी आसानी से बोल जाऊंगा इतना आसान उस पर अमल करना नहीं है, लेकिन कारनामा है, और मैंने बहुत सारे तरक्की याफ्ता और यानी शख्सियात को देखा है जिनके असबाब और तलाशी के अल्लाह ने हमें ये मकाम दे दिया है, तो जरूर एक सबक ये निकला कि माँ की खिदमत की थी, बाप की खिदमत की थी, माँ बाप के काम आए थे, उन्हें कभी परेशान नहीं रख दिया, ये माँ बाप अल्लाह की जानिब से। अगर कोई बच्चा ये देखे कि अगर मैंने 10 लाख खर्च कर दिए तो डॉक्टर कह रहा है एक हफ्ते ही जिंदा रह सकते हैं, अगर इतना खर्चा हो गया, अरे भाई एक हफ्ते बाद तो वैसे ही चल जाएंगे, 10 लाख खामा खा जाया हो नहीं, ऐसे करने के लिए अगर ये बच्चा ये पढ़कर बोले कि नहीं 10 लाख नहीं मैं 1 करोड़ भी खर्च करने को तैयार, तुम एक सांस मेरी माँ का बढ़ा दो, तुम एक दिन मेरे बाप का बढ़ा दो, तुम्हें क्या मालूम कि एक सांस में मेरे ऊपर कितनी रहमतें नाजिल होती। और अज़ीज़ान-ए-गिरामी जब माँ बाप मर जाते हैं तो वो एक नेमतों और रहमतों का जो नुज़ूल होता है जो उनकी वजह से आ रहा था वो मुनक़ता हो जाता है, इसलिए वो ही रहे जिनकी वजह से वो रहमतें आ गई थी,
कि आपने अपनी माँ के रहने पर सोए पर रात शिखरों पर उनकी माफरत का एहतमाम जरूर किया। याद आती होगी बचपन से अब तक के वाकयात, उनकी शफकतें, उनकी मोहब्बतें, उनका आपके लिए कुर्बानियां देना, वो यकीनन और आपकी समझ सकती है कि क्या उन्होंने आपके लिए किया। लेकिन अजीजों, मैं इन भाइयों से, इन बहनों से और उनके वाबस्तगान से कि जरा याद कीजिए एक ऐसी माँ को जिसने अपने बच्चों को कायनात में सैयद और सरदार बना दिया, जिसने तरबियत ऐसी की हसन हुसैन की कि जवानों ने जन्नत की सरदार बना पाई। उस माँ को जरा तसव्वुर दिलाइएगा तो शायद हमारा गम, हमारी लाखों माएं कुर्बान, जहरा की शिकस्ता पहलू पर हमारी लाखों माएं कुर्बान, जहरा की उस कराहती हुई आवाज पर कि जो दरवाजा चलता हुआ जनाबे जहरा पर गया, अजर हो अल्लाह तो जनाबे फातिमा जहरा की एक आवाज होती थी या फिजत और खुशी नहीं ऐसे सामने सफलों मेरा मोहसिन शहीद हो गया। सलाम उस माँ पर जिसके जनाजे पर बच्चे रो रहे हैं, मगर मेरा अपना ख्याल ये है कि इमाम हसन इमाम हुसैन जनाबे जैनब घुर घुर के रो रहे थे, इसलिए कि बीवी की वसीयत थी मेरे जनाजे में कोई शरीक ना हो। हत्ता हत्ता इब्ने अब्बास भी जब आए ना
से कम दो लोगों का सहारे की जरूरत है, एक जनाजा उतारने वाला और एक जनाजा दावे में लेने वाला। इमाम हसन कम से है, इमाम हुसैन कम से है, ये बच्चे जनाजे को उठाने में मदद नहीं करेंगे। जनाबे सलमान अगर जनाजे में है तो वो महरम नहीं है, जनाजे को हाथ लगाए। लेकिन एक जुमला मिलता है तारीख में, जैसे ही मौला कायनात जनाजा लेके कब्र के करीब बढ़े तो आवाज आई, सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। Thank you.